सो गाइज, एलविश यादव की साइड से एक बड़ी सैड न्यूज सामने आ रही है। सैड न्यूज ये है कि एलविश यादव का व्लॉग चैनल हैक हो चुका है। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं, उनके व्लॉग चैनल पे 3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे एंड वो उस चैनल पे डेली व्लॉग अपलोड करते थे। तो गाइज, किसी हैकर ने उनका चैनल हैक कर दिया और वो उनकी पुरानी वीडियो सब डिलीट कर रहा है। सो गाइज, एलविश यादव ने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका चैनल हैक हो चुका है। गाइज, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है जो कि आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सीन क्या हुआ, कल रात की बात है भाई, मैं यहाँ पे मनीष भाई की शादी में आ रखा हूँ, तो जो अपना व्लॉग चैनल है वो हैक हो गया। मतलब मेल आईडी वगैरह मेरी सारी चीज़ चली गई, मेरे पे बस मेन चैनल बच रहा है। तो जब तक रिकवर नहीं हो जाता तो प्लीज़, मैं व्लॉग रोज़ डालता हूँ तो अभी भी डालूंगा, वो मेन चैनल पे आएगा अपना व्लॉग। तो जिस भाई ने मेन चैनल सब्सक्राइब कर रखा, मेन चैनल सब्सक्राइब कर लो, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा दिमाग थोड़ा आउट सा हो रखा है इसलिए मेरे को जज मत करना भाई। तो जॉब से जब तक रिकवर नहीं हो जाता मेरा अकाउंट, या फिर भगवान करे जल्दी हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। और जितने मेरे भाई यूट्यूबर्स हैं वो सारे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि कितनी मेहनत से एक चैनल बनता है, ग्रो होता है, और उसके बाद इतनी मेहनत करके, ऑब्वियसली बात है मेहनत करके ग्रो होता हो। और जितने भी भाई हैं मेरे सारे मेहनत करते, जैसे मेरी तो एक तरीके से बर्बाद सा ही हो गया सब, मतलब जो मैंने इतने टाइम का इकट्ठा कर रखा था 400+ दिन से व्लॉग रेगुलर सेम, धीरे धीरे करके व्लॉग्स डिलीट कर रहा है। मतलब कल मैंने देखे थे 2 व्लॉग डिलीट कर दिए थे उसने, और वैसे बहुत सारे काउंट करने में मतलब मुश्किल होता है ना कि कब कौन सा डाला है, तो वो भी चीज़ फिगर आउट कर रहे हैं हम लोग कि कितने डिलीट।